This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content

सिंगापुर में 44 का इजाफा उसके नतीजे में हमारे यहाँ मार्केट खुलते ही हंड्रेड एंड नाइन प्लस पे गई फिर थोड़ी सी रुकी और इसके बाद से जो उसने क्लाइम किया तो एकदम थ्री थर्टी सेवन प्लस पे पहुँच गई और थर्टी फोर थाउजेंड ज़ीरो ट्वेंटी वन का लेवल हमने रीच कर लिया उसके बाद स्टेबल रही थोड़ी देर तक मार्केट उसके बाद फिर गिटा शुरू हुई है तो टू सेवेंटी नाइन प्लस पे हमने देखा उसको और अब टू हंड्रेड एंड वन पे खड़ी है आ, 33,886 का लेवल है विच इज़ क्वाइट गुड और टर्न ओवर भी बहुत अच्छे 223 मिलियन शेयर्स का काम हो गया है uh, अब तक अभी uh, खेल बाकी है तो uh, ये आई एक लाइव कॉल से बात करें हेलो हेलोकम बोल रहा हूँ सर ये

कौमी बजट में लगाएंगे और एक लाख जो है प्रॉपर्टी में लगाएंगे और एक लाख से जो कुछ आ सकता है मैं आपको बताता हूँ अभी और अभी जो लिस्ट में बताऊँगा उसको ग़ौर से सुनिएगा ज़्यादातर वो वो शेयर्स हैं जिनमें ग्रोथ है और जो के डिविडेंड देते हैं एक्स डिविडेंड अभी अगर आप चले जाएँ स्क्रीन के ऊपर मार्केट खुली हुई है तो जो जो शेयर्स पे देखेंगे एक्सडी लिखा हुआ है यानी कि उसने डिविडेंड दिया है वो सब शेयर खरीद सकते हैं मिसाल के तौर तो पर फैसल बैंक एक्स है और प्लस भी है बैंक आफ फला एक्स है और प्लस भी है और इसी तरह एक्स और क्या है फौजी सीमेंट एक्स है और प्लस भी है तो एक्स का मतलब होता है डिविडन देने के बाद तो ये सारे शेयर्स हैं जो कि आप ले सकते हैं और उसके अलावा जो मैं लिस्ट बताऊँगा उससे भी आप पिक करें तो इन आपकी बेहतरी होगी हमेशा कोई भी एक शेयर बहुत ज़्यादा ना लीजिएगा डाइवर्सिफाई करके लें मुख्तलिफ सेक्टर्स में लें और पैसे को फैला के लें एक तिहाई शेयर्स में एक तिहाई डिपॉजिट में एक तिहाई प्रॉपर्टी में यह है गोल्डन रूल आई गाइफ का बात करें अस्सलाम सर। जनाबुलचरा सा। सारा जो है ऊपर उठा लिया गया है जी तो जरा आपने को बता दें कि टॉपिक जो है वो पहनाएंगे तो जरा बच जाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आजकल जो टॉप के जितने वॉल्यूम लीडर्स हैं वो सारे वो शेयर्स हैं जिसको हम बिल्कुल नहीं पसंद करते लेकिन उन पर दबा के काम हो रहा है कोई किसी को जिसको जैसे कि इन्होंने टर्म यूज़ किया पहना पहना रहा है ये वर्ड कॉमन लैंग्वेज में यूज़ होता है पहनाना आपको झूठी तारीफें करके शेयर्स की तारीफ़ की जाती है और ये कंसर्टेड एफर्ट होता है कि बहुत सारे हाउसेस में एक ही आवाज़ एक साथ एक ही दिन लगाई जाती है ये शेयर में कुछ बहुत कारनामा होने वाला है इसको आप ले लें सब मिलकर जब लेते हैं तो ज़ाहिर कीमत बढ़ जाती है और लोग कहते हैं देखिए जो कहा था वो सही हो गया पिछले दिनों आपने एन का देखा कि लोगों ने कहा जी इस्लामाबाद से फ़ोन आ गया ले लो ले लो लोगों ने लाखों शेयर्स ले लिए और उसके बाद आपने देखा कि उसका हशर क्या हुआ जो लेने का कॉस्ट है 40-50 पैसे उसका कोई जिक्र नहीं करता और दो रुपये का शेयर आपको दिलवा देता है तो वो पड़ा ही आपको ढाई रुपये का उसके बाद अगर वो ढाई रुपये का हो गया तभी सिर्फ आपका कॉस्ट कवर हुआ उसके बाद जब आप बेचे जाएंगे तो फिर पचास चालीस पचास पैसे लग गए तो फिर आपको प्रॉफिट कहाँ हुआ और तो इन चीज़ों से आपको दूर रहना है ये छोटे छोटे शेयर्स के खेल खेल में जहाँ पर वो आपको ब्रोकर लाखों के तादाद में शेयर ख़रीदवाने के चक्कर में होगा क्योंकि उसमें उसको फ़ायदा है चाहे जितने शेयर आप खरीदते हैं उतना ही उसको कमीशन मिलता है तो ये स्पेकुलेशन है सट्टा कहा जाता है मार्केट में उनसे आप दूर रहें और उसकी मिसालें आपके सामने मौजूद हैं जो छोटे छोटे शेयर्स हैं खूब चल रहे हैं और उन पर बड़ा काम हो रहा है मिसाल के तौर तो पर टेलीकार्ड तीन रुपये चालीस पैसे का शेयर है सोलह पैसे गिर के छः मिलियन का, का काम हो गया ये पुरानी टेक्नोलॉजी थकी हुई कंपनी इसमें क्या 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 लोगों को वैल्यू नज़र आ रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर पे ख़रीद रहे हैं तो कोई इसको बेचना चाह रहा है और लोगों को ये सब बाग दिखा के कह रहा है खरीदो खरीदो कोई ख़रीदेगा तब तो बेचेगा वो आइए एक लाइव कॉल से बात करें हेलो हेलो जी सलामकुम सर जनाब अच्छा सर मुझे ज़रा प्रॉस्पेक्ट पता करने थे जैसे सिंगर कंपनी है और टीर पाकिस्तान है सिंगर और और दूसरा क्या कहा आपने शरीर कॉरपोरेशन शरीर कॉरपोरेशन सर so, दोनों का फीचर तो बहुत अच्छा है सिंगर जो है वाइट गुड बनाता है और अब पहल की तरह ये भी आस्ते आस्ते ऊपर आ रहा है कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हुई है नई मैनेजमेंट आई है और वो लोग आप इसको एक मॉडर्न तरीके से चलाने कर रहे uh, की कोशिश करें सिंगर जैसे कंपनी की पाकिस्तान में और वर्ल्ड में काफ़ी गुंजाइश है क्योंकि ये लो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बनाते हैं वाइट गुड्स और इसमें पाकिस्तान एक कंपटिटिव एडवांटेज रखता है इन टर्म्स ऑफ लेबर वग़ैरह जहाँ तक शरीर कापरेशन का, का ताल्लुक़ है एक नई कंपनी जो कि पाकिस्तान से हलाल फूड एक्सपोर्ट करने की आ, का प्लान कर रही है और इसमें भी बहुत गुंजाइश है इसका शेयर जब आईपीओ हुआ तो कुछ ज़्यादा लेवल पे चला गया था लेकिन अब अपने सही लेवल पे आ गया है इन दोनों का फ्यूचर बहुत अच्छा है जी आई क्लाइक से बात करें क्या तारीख साहब जी साहब सर कॉटन की कीमत तो में, तो। में छह हजार हो गई अच्छा जी और चाइना इस वक्त हमारे से कॉटन कर रहा है अच्छा जी अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में माशाल्लाह अच्छे अच्छे हो गए माशाल्लाह हालात अच्छे हो गए तो आप सब ये के कौन से टेक्सटाइल मिल के शेयर इसमें खरीदने चाहिए टेक्सटाइल के जी नंबर नम, तो दो आज सुबह तो में आपका प्रोग्राम देख रहा था आपके साथ कोई बोती वाला साहब थे जो आपको तो म्यूचुअल फंड उसके बारे में बता रहे थे सारी बातें बता रहे थे जी जी तो म्यूचुअल फंड और मोदारबा में क्या डिफरेंसेस है बहुत बड़ा डिफरेंस है इस्लामिक फंड होता है और वो ए, वो आपके पैसे से लोगों को कर्जे दे देता है जैसे बैंक की तरह इस्लामिक मोड में और इस्ला मोड में करने से तो कुछ ये होता है यहाँ इस्लाम को तो कोई फॉलो करता नहीं है नाम से मुसलमान होते हैं लोग तो मुदारवा से जितने लोगों ने कर्जा लिया उन्होंने वापस ही नहीं किया और लॉस दिखा दिया इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस में जब प्रॉफिट होगा तो आप आ, उससे आप पैसे लेंगे लॉस होगा तो आपको बेयर करना पड़ेगा तो मुदारबा को बड़े पैमाने पर पे इस्तेमाल किया, किया गया है यहाँ मिस यूज़ किया गया है टू टेक मनी फ्रॉम पीपल और एक रिसेंट तो एक बहुत बड़े आलिमों को इस्त... चार पाँच आलिमों को इस्तेमाल करके गरीब गरीब लोगों से अरबों रुपये उठा के ले गया कोई आदमी थाईलैंड तो मुदारबा फेल हो गया पाकिस्तान में कम्प्लीटली उससे आप दूर रहें म्यूचुअल फंड जो है वो ये सब नहीं करता ये आपसे पैसा लेता है और जो उसकी टारगेट मार्केट होती है बताया जाता है कि ये मनी मार्केट में लगेगा या स्टॉक uh, में लगेगा उसी रेसू से वो लगाता है म्यूचुअल फंड इज़ ए गुड थिंग टू गो फॉर जहाँ तक आपने कॉटन uh, का सवा uh, कहा कॉटन uh, यान की कीमत बढ़ जाना जो है uh, इससे आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बेहतरी नहीं आने वाली यान की कीमत बढ़ गई तो आप समझें और एक्सपोर्ट अगर हो गया तो आपका जो धागे की कीमत है मजीद महंगी हो जाएगी और वो तमाम डाउन uh, जो वैल्यू एडेड इंडस्ट्री उसको तबाह कर देगी मजीद क्योंकि ऑलरेडी यान के ऊपर आपने 20 फीसद रेगुलटरी ड्यूटी लगा के ऑलरेडी आपने यान की कीमत पाकिस्तान में बढ़ा दी है अब कॉटन महंगा होगा तो और इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी और इस तरह से इंडस्ट्री को नुकसान होगा टेक्सटाइल इस वक्त आ, बहुत अच्छे सिचुएशन में नहीं है अदर दैन जो कंपोजिट यूनिट्स हैं निषात वगैरह जहाँ पे वैल्यू एडिंग टिल दी एंड है यहाँ तक कि उन्होंने दुकानें भी खोली हुई हैं उनको थोड़े बहुत कौ, एक्स्ट्रा कॉस्ट कवर कर सकते हैं वो लेकिन एक नॉर्मल स्टिचिंग uh, करने वाला एक गारमेंट वाला या हाउजरी करने वाला के लिए बड़ा मुश्किल है इस वक्त पाकिस्तान में आई क्लाइव कॉल से बात करें हेलो ना ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं एक तो आपने यहाँ पे इनर्जी कॉस्ट को बहुत ज़्यादा ऊंचा रखा हुआ उसकी बेहतरीन मिसाल सामने आ गई आपकी कि कराची में इस वक्त सी जो है सिक्सटी का बिक रहा है और जो कतर का सी जब आएगा तो 41.9 का बिकेगा जैसे कि ऑलरेडी पंजाब में बिक रहा है इतना बड़ा गैप आ गया पाकिस्तानी गैस में और कतरी गैस में इसी तरह पाकिस्तानी आटा पचास रुपये का बाहर का आटा पच्चीस रुपये का मिल रहा है चीनी यहाँ चौंसठ की मिल रही बाहर चालीस से भी कम की मिल रही है तो हर चीज़ पाकिस्तानी महंगी हो गई है इनर्जी बहुत ज़्यादा महंगी है यहाँ पर पे। चाहे पेट्रोल हो चाहे गैस हो चाहे आ, कोई भी चीज़ हो यहाँ टैक्स लगा लगा के इतना महंगा किया है कि जो चीज़ इतनी सस्ती हो गई है वो भी सस्ती नहीं हो पाई इससे हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है और ख़ासतौर से टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रबल में है बात करें हेलो जी मैं पूछना चाहती है ना इकतीस इशारिया पचहत्तर रुपये में ना ये मुझे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए जी माशाल्लाह दोनों गैस कंपनी जैसा कि हमने कहा था ये बढ़ेगी और बढ़ रहे हैं खासतौर से स्वी नॉर्दर्न आज वॉल्यूम लीडर है 23 मिलियन का काम हुआ इस पर 1.45 पॉइंट फोर यानी अपर लिमिट पे खड़ा है रशिया वाले बिछा रहे हैं इसका सारा जो मैनेजमेंट सब कुछ जो है इनको दिया गया है और इनको बहुत ज़बरदस्त इसमें फ़ायदा होने वाला है तो इनके जो लॉसेस थे लैंड लॉसेस वगैरह वो सब कवर हो जाएंगे और एक और आ, 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 बात मुझे समझाई गई है एक एनालिस्ट ने समझाया है कि एवेंचुअली जब ये रशिया वाले ये गैस पाइपलाइन बिछा लेंगे तो इसकी मैनेजमेंट भी जो है ये नॉर्दर्न सुई गैस और साउथर्न सी गैस के पास ही आएगी नॉर्दर्न को ज़्यादा मिलेगा साउथर्न को इससे कम फ़ायदा होगा तो इसी इसी लिहाज से कीमतें भी जो है ऊपर नीचे हो रही हैं सब दोनों इम्प्रूव कर रही हैं लेकिन नॉर्दर्न ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है सुई सू, साउथर्न को बिल्कुल होल्ड करके रखें जी ये मज़ीद ऊपर जाएगा ये नॉर्दर्न और साउथर्न का थोड़ा सा गैप रहेगा क्योंकि नॉर्दर्न के पास फ्रेंचाइज बढ़ा है उसको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है आईक लाइव कॉल से बात करें हेलो एक सौ दस पे भी लिया हुआ है जिनको मैं जानता तो हूँ इस... जा नहीं, नहीं ये ऊपर नहीं जाएगा ये कंपनी भाई खत्म हो चुकी है एस गार्ड नाइन जब मैं दो हजार नौ में आया था तो हर तरफ हर डीलर इसी की बात करता था लगता था कि कोई बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है जो यहाँ कॉटन ये कपड़े पर बना रही है लेकिन बाद में पता चला कि छोटी सी फैक्ट्री मुजफ्फरगढ़ में और उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप ने बहुत ज़्यादा जेएस ग्रुप ने इसको बहुत ऊपर चढ़ा दिया और आजकल नैब उनसे सवाल कर रहा है कि ये बताओ कि ये दस रुपये का शेयर एक का कैसे हुआ और आज साढ़े का क्यों है अब ये ब्रेकअप के प्रोसेस में है इसकी ज़मीन और जगह को किसी स्टील कंपनी ने ले लिया है अब उस वो जो कीमत देंगे वो आपको सबको बराबरी से बटेगा लाएक लाएक को बात करें जराब। सब क्या हाल है ठीक ठाक है बिल्कुल ठीक हुआ शुक्र जी अच्छा सर एक चीज़ पूछ रही थी ये पावर सीमेंट और आर एफ हबीब कारपोरेशन के बारे में बताइएगा पावर सीमेंट फर्स्ट क्लास है छोटी सी कंपनी है लाइक ऑल सीमेंट कंपनी इज डूइंग वेल आरिफ हबीब से मैं कहूँगा कि आप दूर रहें नाजिन आज की जो और ख़बरें हैं उसमें पाकिस्तान स्टील मिल के बेचारे जो एम्प्लॉज़ हैं सोचिए उनकी क्या हालत है कि सात महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली है तो ई से मिनिस्ट्री रिक्वेस्ट कर रही है कि उनको पेमेंट कर दी जाए और दूसरी बात एस सी ने कॉशन किया है कि मीडिया कमेंट को डिस्करेज इन्वेस्टर्स तो आजकल जो बहुत ज़्यादा रात को टॉक शोज होते हैं उसमें कुछ ऐसी नेगेटिव बातें हो रही हैं जो जो हमारे इन्वेस्टमेंट को बड़ा हर्ट कर रही है तो इन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़रा ख़्याल करें इन्वेस्टर्स का जो सेंटिमेंट होता है बहुत नाजुक होता है थोड़ी सी नेगेटिव बातों से भी वो डिस्टर्ब हो जाते हैं आइए कॉल से बात करें हेलो। हेलो। हेलो जी बोलें वाई सला जनाब सर टीवी के की आवाज़ बंद कर दें प्लीज़ नाजिन आज तीन रिजल्ट हमारे सामने हैं एल बैंक का रिजल्ट आया है जिसमें ई पी एस दिखाया गया ये सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर यानी जनवरी टू मार्च का रिजल्ट है ये और उसमें जो प्रॉफिट आया फोर पॉइंट सेवन मिली बिलियन कमा लिया इसने ई पी एस फोर पॉइंट वन एट अप फोटीन परसेंट और ये कैश डिविडेंड भी दे रहे हैं वन पॉइंट सेवन फाइव का फोर पॉइंट वन एट कमाया वन पॉइंट सेवन बांट दिया बाकी रह गया उसके अंदर तो वैल्यू बढ़ जाएगी उससे आ, अच्छा जी दूसरा है फौजी फर्टिलाइज़र लिमिटेड कंपनी लिमिटेड एफ एफ सी बड़ा फर्ट फौजी जिसको हम कहते हैं यहाँ भी फर्स्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट है और यहाँ प्रॉफिट जो आया है टू पॉइंट सेवन बिलियन ई पी एस टू पॉइंट वन जो कि पिछले ई पी एस के मुकाबले में जो कि फोर पॉइंट सिक्स था बहुत कम है तो फिफ्टी फोर परसेंट कम है और इसकी क्या वजूहत जिस तरह की और भी दूसरे भी फर्टिलाइजर में हमने देखा कि रेवनीू डिक्लाइन हुआ है ड्यू टू सीजनल स्लो डाउन ये तीन महीने का रिजल्ट है इसको आप अहमियत ना दें ये इस पी पीरियड में शायद ये फर्टिलाइज़र कम बिकता है यूनाइटेड बैंक का रिजल्ट आया जनाब और इसका रिजल्ट है जनाब ई पी एस सिक्स पॉइंट वन और टोटल प्रॉफिट सेवन पॉइंट सिक्स बिलियन और ये अब एक्सपेक्टेशन है और आ, इसके बेसिस पे ये जो है तीन रुपये का वो दे रहे हैं आपको कैश डि इंट्रीम डिविडेंड एक्सलेंट रिज़ल्ट आई ग्लाइबगॉ से बात करें बाजी आप देख रहे हैं कि जितने रिजल्ट आ रहे हैं सारे अच्छे हैं सवाई जो एक दो फर्टिलाइजर कंपनीज के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट इस सीज़न में शायद फर्टिलाइज़र बिकता कम है इसलिए प्रॉफिट प्रॉब्लम आता है या एक हमने रिजल्ट देखा था जहाँ पे टैक्स ज़्यादा ले लिया गया इस वजह से उस पर्टिकुलर क्वार्टर एक क्वार्टर का रिजल्ट इतना अहम नहीं होता बहरहाल उसको इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए अवाताओं जो हमारे जिस सेगमेंट को बहुत पसंद किया जाता है वो है कि हम अपने वॉल्यूम लीडर्स को चेक करें कौन कौन से वॉल्यूम लीडर हैं और क्यों हैं सुई नॉर्थन गैस जैसे कि पहले बताया कि वॉल्यूम लीडर है उसको ज़बरदस्त प्रॉफिट होने वाला है ये कराची लाहौर गैस पाइप से और उसका कारोबार भी बढ़ेगा वहाँ पर एवेबिलिटी बढ़ेगी लाहौर से लेकर चित्राल वग़ैरह स्वाद हर जगह वो गैस बेचने की के वो पोनपोली है उसके पास वो बेचे खूब ज़्यादा बेचे ज़्यादा कमाए एक्सलेंट कंपनी दीवान मोटर एक रुपये बढ़ा हुआ है यानी मैक्सिमम बढ़ा हुआ है और वो चौदह रुपये का हो गया लगता है कि यहाँ पे रिनॉल का कुछ काम शुरू हो गया वर्ल्ड कॉल में एक पैसे का इजाफा है वन आ, के इलेक्ट्रिक में ग्यारह मिलियन का काम हुआ है आठ पैसा लॉस करके सेवन आ, ये दोनों कंपनी इतनी अच्छी नहीं कर रही इनसे दूर रहें तो अच्छा है आपके लिए ऑयल एंड गैस कंपनी ओ में 48 पैसे का इजाफ़ा 120 का हो गया ये 8.8 मिलियन का काम हुआ इसको आप ले लें ओ जी डी सी इज़ गुड आइए एक लाइव कॉल से बात करें सुई uh, नॉर्दन और uh, इसके बाद जनाब टीआरजी पाकिस्तान है जहां ये मुसल बढ़ रहा है 35.10 का हो गया ये 51 पैसा बढ़ के सेवन मिलियन का काम हुआ है पे टेली कार्ड में भी सिक्स मिलियन का काम हुआ अब बताइए एक आ, पुरानी सी टेक्नोलॉजी वो कार्ड होता था ज़माने में फ़ोन करने के लिए अब तो सबके पास अपना अपना मोबाइल है पहले वो फिक्स्ड बूथ लगे हुए थे उसमें आप कार्ड डालते थे बात करते थे अब पता नहीं इसका क्यों इतनी बड़ी टर्नओवर हो रही है इन ऐसे कंपनियों से आप दूर रहें आम आदमी को कह रहा हूँ बड़े लोगों को जुआ खेलना है खेलें आई एक लाइफ का बात करें हेलो ले लिया लेकिन उसकी रिपोर्ट में, में बिल्कुल सही लिया नहीं मैंने ये नहीं कहा मैंने कहा कि उन्होंने लिया वन सिक्सटी टू पे और उन्होंने कहा कि हम पीछे आगे अब पिछला रेट नहीं देख रहा है उस वक्त जब उन्होंने 162 पे लिया तो उसका रेट जो था 150 से भी नीचे था शायद और उन्होंने कहा था हमने फ्यूचर देखा 184 तक जाएगा ये तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो जो आके बिड करती हैं जो खुद आके मांगती हैं तो उनको कुछ रेट ज़्यादा देने पड़ते हैं ये सिंपल डिमांड सप्लाई का मामला है जैसे कि मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ एग्रो फूड का भी वन सिक्सटी उनका भी इतफाक़ से रेट है और वो इसलिए दे रहे हैं ज़्यादा कि वो मांग रहे हैं तो जो बेचने वाला है वो उसको इंसेंटिफाइज करने के लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा रेट दिया जाए तो उस वक्त जब ये 148 फोटी एट वाला का था उसने फिर से यहाँ पे भी वही केस है कि वो उन्होंने ज़्यादा रेट दिया है अभी वो डील वर्किंग हो रही है उसकी जब फाइनलाइज़ हो जाएगी तो आपको डिटेल पता चल जाएगा विटॉल का जहाँ तक ताल्लुक है वो तो मामला हो गया पैसा भी आ गया सब कुछ हो गया ट्रांसफ़र भी हो गया शेयर्स

जिनके रिटर्न ज़्यादा हों किस में इन्वेस्ट किया जाए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा प्रोग्राम का थैंक यू सर अलगाजी ट्रेक्टर्स के जो फॉर्चूनर डिपेंड करता है पंजाब और सिंध गवर्नमेंट के पॉलिसीज पे जब वो सब्सिडी देने का ऐलान करते हैं तो ये चल पड़ते हैं जब नहीं देते तो वो स्लो हो जाते हैं <coughs> तो अल मिलत वगैरह में अभी थोड़ी सी मुश्किलात आई हुई थी क्योंकि ना पंजाब सब्सिडी देने के लिए तैयार था ना सिंध लेकिन अब रिसेंटली उन्होंने फिर से एग्री किया है कुछ देने का जिसकी वजह से ये चल पड़े हैं जहाँ तक आप तो सवाल के कहाँ लगाया जाए तो इसके बारे में रोज़ाना मैं आपको बोलता रहता हूँ आप उसको सुनते रहें और आप लगाते जाएँ जा, आमतौर से डिविडेंड जो है बैंक्स वगैरह सारे देते हैं साथ साथ जो ऑयल कंपनीज़ हैं लाइक आज कल उनकी हालत अच्छी नहीं है पीपीएल हमेशा देता था ओजीडीसी देता था पीओएल हमेशा देता था और उसके अलावा जो है जितनी पावर कंपनीज हैं जो अच्छी हैं इस्टेबलिश हैं लाइक हपको कैप को वो देती हैं इसके अलावा जो सैफ वगैरह जितनी आई हैं नई नई वो भी तीस चालीस रुपये की हैं और उनका भी क्योंकि उनको मज़ीद एक्सपेंशन नहीं करना वो आम तौर से डिविडेंड बांट देती हैं दूसरी कंपनीज जो जहन में आती हैं आदम जी है जो रेगुलरली डिविडन देता है उसके रेट इसीलिए रुका रहता है शेल है हमेशा देता है डिविडेंड तो ये सारी कंपनियां डिविडेंड देती हैं और बैंक्स तो सारी के सारी देती हैं आई एक से बात करें हेलोम जनाब मैं थोड़ा सा सर लोट केमिकल जो है जैसे कि नाम से पता है ये इसका पहले कुछ और नाम था लोटे एक कुरियन कंपनी है जो पाकिस्तान में आई और इस पाकिस्तानी कंपनी को उसने ले लिया 500 मिलियन डॉलर्स ने ख़र्च किए अपना पावर प्लांट लगाया सब कुछ किया ये आज से छः सात साल पहले की बात है और उसने सोचा था कि ये जो बेसिक रेजिन बनाता है प्लास्टिक के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और उसका बहुत बड़ा फ्यूचर है लेकिन उसको मार पड़ी है गल्फ़ की प्रोडक्शन से क्योंकि गल्फ ये बाई प्रोडक्ट पेट्रोलियम का है गल्फ़ में बहुत बड़े बड़े प्लांट इसके लग गए और वो बहुत सस्ते में पाकिस्तान पहुंच जाते हैं अगर आप इसको रोकने की भी कोशिश करें तो वो कश्तियों से इधर उधर से भी आ जाते हैं तो इस तरह से हमने देखा है कि तमाम जो हमारी केमिकल कंपनीज़ हैं इंक्लूडिंग लोटे उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और अब सुना ये है कि लोटे अपनी इन्वेस्टमेंट वापस लेके जाने का सोच रहा है इससे आप निकल जाए तो आपके लिए अच्छा है नाजी यहाँ पे लूँगा छोटी सी ब्रेक वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड नाजिन एक डिस्टर्बिंग खबर यह है कि पीआईबी की जो ईल्ड्स हैं उसमें 20 बेसिस पॉइंट का इजाफ़ा हो रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि इन्फ्लेशन के फिगर्स शायद ऊपर आने वाले हैं कि बैंक जो हैं जल्दी जल्दी अपने पैसे इसमें लगा रहे हैं और उनको एक्सपेक्टेशन हायर रेट्स की हैं इन फ्यूचर एक और जो अहम ख़बर है वो लकी सीमेंट का है जिसमें हमें डिटेल नहीं बताया जा रहा है यहाँ पर लेकिन ये बताया जा रहा है कि उसने 9.6 बिलियन नेट प्रॉफिट कमाया है नौ महीने में और लकी के सिलसिले में ही एक और ख़बर है लकी सीमेंट अवार्ड तो पावर प्लांट कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट मंथ वो पावर प्लांट लगा रहा है जिसके कॉन्ट्रैक्ट देने वाला है अगले महीने और दूसरी खबरें वही पुरानी है कि ऑयल प्राइजेज़ फॉल आफ्टर न्यूज़ ऑफ पॉसिबल सऊदी ऑयल फील्ड एक्सपेंशन तो सऊदी अरबिया बढ़ाने की कोशिश कर रहा है एक्सपेंशन कर रहा है और घटाने की तो बात लगता रह गई है आइए हम चलते हैं फिर से अपने वॉल्यूम लीडर्स की तरफ टेली कार्ट तक हम पहुँचे थे और मैंने कहा इससे आप लोग दूर रहें उसके बाद पाक इलेक्ट्रॉन का नाम है जो 5.8 मिलियन का काम हुआ उसमें 56 पैसे का लॉस है 60.10 का इसको आप खरीद लें दीवान सीमेंट में 5.3 मिलियन का काम हुआ 14 पैसा बढ़ के फिफ्टीन फोटीन का हो गया आ, इसको अगर लें भी तो ज़्यादा ना लें यह दीवान मोटर और इसको मैं कहूँगा कि ज़्यादा ना लिया जाए लिया जाए ज़्यादा ना आई लाइव कॉल से बात करें ये दोनों शेयर्स लगता है अपने हाई लेवल्स पे आ रहे हैं आ, और कोई सब्सटाइन सिर्फ हमारे पास फिगर्स नहीं आ रहे कि कोई प्रोडक्शन हो रही हो या सीमेंट में कोई बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है सेल में थोड़ी मैनिपुलेटेड लगती है थोड़ी सी ये आई एक लाइफ कॉल से बात करें जी हाँ साहब फैसल बात कर रहा हूँ पिशावर से कैसे हैं आपकी सर, पिशावर से। आने से हैं आपके। आप आपकी कार्य सर बहुत मुझे मालूम करना था की ट्रीट कॉरपोरेशन के बारे में बताइएगा जी और फाता फर्टिलाइजर बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया सर देखिए ट्रीट कॉरपोरेशन के बारे में आप ही लोगों से पता चला और फिर फे फेसबुक वाला पे भी लोगों ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि ट्रीट कॉरपोरेशन औरजिनली वजीर अली इंडस्ट्री वन ऑफ़ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रियल ग्रुप ऑफ पाकिस्तान बड़ा डायनेमिक ग्रुप होता था ये बाद में ये स्लो डाउन हो गया था नेक्स्ट जनरेशन में और इनका मेन काम था वो ब्लेड वगैरह बनाना जो पुराने किस्म के ब्लेड अभी भी आपको मार्केट में नजर आता है हजामों के पास आ, फिर ये आई थी कि नेक्स्ट जनरेशन आई है इसमें कुछ तब्दीली ला रही है बेटरमेंट उनके हमने रिजल्ट भी देखे कुछ बेहतर होते हुए Uh, तो उससे बड़ी ऑप्टमिज़म हुई थी कि चलो एक पुराना ग्रुप फिर से रिवाइव हो रहा है uh, उसके बाद एक ख़बर आई है रिसेंट कि उन्होंने डायू नाम की बैटरी बनाना शुरू किया है और वो शायद ऑलरेडी मार्केट में आ गया या आने वाला है और इस पर बड़ा कुछ डिपेंड करेगा ट्रीट कॉर्पोरेशन का फ्यूचर कम्प्लीटली नई न्यू फील्ड उन्होंने पकड़ी है और ये देखते हुए कि पाकिस्तान के में बहुत ज़्यादा बैटरी की डिमांड है मोस्ट प्रोबली कोरियन कंपनी डायू के साथ डायू की बैटरी है तो दैट शुड डू गुड जहाँ तक फाटमा फर्टिलाइज़र इसके बारे में पर्सनली मैं थोड़ा सा नेगेटिव व्यू रखता हूँ उसकी वजह यह है कि जब ये आई हुआ था तो इसको प्रज़ेंट किया गया था एज़ ए फ्रेश न्यू कंपनी लेकिन जब मैंने उसके ढाई पेज का वो प्रोस्पेक्टस पढ़ा तो मुझे ये पता चला कि ये पुरानी थकी हुई एक कंपनी थी जिसको नए तरीके से पेश किया गया और उसके बहुत पुराने लॉसेस वगैरह जो थे वो मौजूद थे और आज भी मेरा अपना ख्याल है कि वो पुराने लॉसेज जो हैं फाइनेंशियल कॉस्ट जो है वो इस कंपनी को ड्रैग करती है इसीलिए ये बाकी फर्टिलाइजर के रेट्स इस कंपनी के रेट्स पे नहीं गई और ये थोड़ा पीछे पीछे चलती है इससे दूर रहे तो आपके लिए मेरा ख्याल खा, है बेहतर है ये आ, हबीब ग्रुप की कंपनी है आईक लेव कॉल से बात करें वही जनाब सर ये कैपिटल गेन टैक्स प्लीज खत्म कराएं आप ही जरा इनसे कुछ कह सकते हैं बाकी हमारे छोटे आदमियों की बात नहीं सुनते ये लोग शेयर होल्डर की आप ये प्लीज कैपिटल गेन टैक्स खत्म करा देंगे इंडेक्स हो जाएगा फिर से कहिएगा आप ये इंडेक्स कैपिटल गेन टैक्स जो लेते हैं ये ये प्लीज खत्म करा करवा दें कैपिटल गेन टैक्स में अर्जी है कौन सा रेट कैपिटल गेन टैक्स कैपिटल गेन टैक्स सर अच्छा कैपिटल गेन टैक्स सर ये हम लोग तो कहते रहते हैं कोई सुनता नहीं है देखिए गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा मजबूर है इतनी ज़्यादा उसको पता है कि नहीं लेना चाहिए छोटी से प्रॉफिट है इस पर क्यों आप लें डिस्करेज कर रहे हैं आप कैपिटल मार्केट को लेकिन ऐसी मजबूर गवर्नमेंट है इतनी फ़कीर गवर्नमेंट है कि किसी को नहीं छोड़ती है आप सोचिए कि इस गवर्नमेंट वालों को कोई शर्म है या नहीं है कि ये कैपिटल गेन लेते हैं छोटे छोटे प्रॉफिट पे दो रुपये चार रुपये छीन लेते हैं लोगों से भाई किसी ने चार रुपये कमाए उससे आप कह रहे हैं दो रुपये दे दो इसी तरह कोई गरीब फ़कीर आदमी जो है वो मोबाइल के अंदर पैसे डालता है सौ रुपये आप कहते हैं दे दो उसमें से पच्चीस रुपये एक कोई कोई शर्म है या होती है कोई एक लेवल होता है लेने का तो ये आ, आ, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा नासिर खान साहब जो आजकल चेयरमैन बन गए हैं उनसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं बार बार कि भाई आप खान साहब हैं डरे नहीं हम आपके पीछे खड़े पैंतीस हज़ार पैंतीस लाख लोगों का आपने जिक्र कर दिया कि नादरा डाटा के मुताबिक अमीर तेरे हैं उनसे मांग लेना बीस पच्चीस लाख रुपये सालाना उनकी मजाल है कि वह ना दें ना दें तो उनकी तमाम जायदाद आप जब्त कर लें आपको इख्तियार है आप कोर्ट का को ऑर्डर कर दें कि ये फ़लाने खान फलाने खान सब खान की जो जायदाद है उस पर कोई मूवमेंट नहीं होगी जब तक ये 25 लाख रुपए सालाना नहीं देगा तो वो सारी जायदाद जब्त हो जाएगी ये तो पाकिस्तान में जायदाद है जो ले गए स्विट्ज़रलैंड वगैरह उस पर तो हमें काबू नहीं है इन वो भी इन्फॉर्मेशन पनामाली की तरह भी और बहुत आने वाली है लेकिन जो अभी मौजूद हैं उनसे तो आप 25 लाख मांग लें साल के तो ये छोटे छोटे टैक्सेस आप माफ़ कर देंगे आप ऐलान कर देंगे कि ये कोई कोई टैक्स नहीं लेते जी हम कैपिटल गेन पे प्लीज़ आप लोग आए इन्वेस्ट करें टेलीफोन पे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा पेट्रोल पे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा गैस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा आटे पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा दूध पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा और सब चीज़ को सस्ता कर देंगे आप और वो जो बड़े बड़े लोग हैं उनके लिए पच्चीस लाख सालाना कुछ भी नहीं है जी वो एक ट्रिप का भी खर्चा नहीं है उनके जो लंदन का लगाते हैं वो आए एक लाइव कॉल से बात करें वाले सलाम जी मेरी लाइन ड्रॉप हो गई थी मैंने ये पूछना है कुछ तो डेढ़ दो महीने हो गए ये अंग्रू फूड का चल रहा है कि फीस लैंड वाले ले रहे हैं ये सिर्फ खबर ही है या वो बाकी कुछ काम कर रहे हैं इस पर सर काम हो रहा है और इस पर टाइम लगता है आ, आप यकीन मानिए कम से कम 500 पेज का डॉक्यूमेंट बना होगा इसके टेक के लिए कि 500 मिलियन इन्वॉल्व है यहाँ पे और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ बैंक कंपनी के अंदर भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होती है ये नहीं होगा कि फिजलैंड का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो अपनी मर्जी से आ, जाके पाकिस्तान में पाँच मिलियन इन्वेस्ट कर दे नहीं उसको बहुत कुछ साबित करना होता है कि जिस रेट पर मैं ले रहा हूँ जो यहाँ पर पोटेंशल है वो वाकई है वहाँ एक कंट्री रिस्क देखा जाता है बहुत कुछ देखा जाता है उस उसमें टाइम लगता है और ये सबसे बड़ी डील है आपकी आ, मैं ख्याल है जहाँ तक मुझे याद है किसी ने एक साथ ला के पाँच सौ मिलियन तो नहीं लगाया और लोटी ने एक ज़माने में लाया था वो तो इसके बाद ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है और ये क्यों आ रही है क्यों इतने हाई रेट पर वो ले रहे हैं एक तो वो खुद आए हैं मांगने तो जो मांगने आता है वो उसको देना पड़ता है बेचने वाले की मर्ज़ी की कीमत इसलिए ज़्यादा रेट है दूसरा वो ज़्यादा रेट दे के भी खुश क्यों है क्योंकि उनको आगे बहुत ज़्यादा रेट नज़र आता है मैं जब चालीस रुपये का था एंग्रो फूड तो मैं कहता था आप लोग ले लो ये एक हज़ार का शेयर है इन ड्यू कोर्स तो आज देखिए मेरी बात यहाँ तक तो सही हो गई एक सौ साठ के करीब तो ऑलरेडी इस्टबलिश हो गया ये और जिस तरह की फिजलैंड टाइप की कंपनी है पचासों किस्म के यहाँ पर मिल्क प्रोडक्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेगी आपका कल्चर ही चेंज कर रख देगी आपके शेल्फ़ के डिज़ाइन चेंज हो जाएगा आपके खाने पीने के हैबिट चेंज करेगा ये तो ये इसको बहुत बड़ा फ्यूचर आगे नज़र आ रहा है अगले 200 साल की ये प्रोजेक्शन करके बैठे होंगे वहाँ पे जब मैं ए बी एन एमरू में था तो हमसे हर वक्त ये पूछा जाता था कि ये ना बताओ कि आज पाकिस्तान की हालत क्या है चाइना की हालत क्या है नाइजीरिया की हालत क्या है दो सौ साल बाद क्या होगी और हम सर पकड़ के बैठे रहते थे कैलकुलेशन करते रहते थे और कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करते थे

कि सर नए जो लोग होते हैं जो आपके प्रोग्राम देखते हैं उनको कुछ पता ही नहीं चलता कि ये स्टॉक मार्केट क्या है इसमें कैसे इन्वेस्ट करना है तो उन लोगों के लिए कोई ऐसा इब्तदाई किस्म का प्रोग्राम आप शुरू करें नेट पे तो जाहिर हर चीज़ है लेकिन नेट की एक्सेस हर कोई यानी वो नहीं हासिल कर सकता तो इस टीवी चैनल पे कोई ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जो बिल्कुल यानी इब्ताई लेवल के प्रोग्राम हों यदि एक बंदा देख रहा है उसको पता ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट क्या है उसमें कैसे इन्वेस्ट करना है किस लेवल तक इन्वेस्ट करना है ये सारा जरा अगर हो जाए तो बहुत मैं समझता हूँ फायदा होगा और दूसरे लोगों को भी इस सिलसिले में जो अपना किरदार है वो अदा करना चाहिए अपने दोस्तों को अपने रिश्तेदारों को बताना चाहिए कि स्टॉक मार्केट एक बहुत अच्छा यानी एक है अपॉर्चुनिटी इसको अवेल करना चाहिए हमें सर आफ्ताब साहब बहुत शुक्रिया आपके कॉल का फ्रॉम वाली और ये आपके सजेशन बहुत अच्छी मैनेजमेंट तक पहुँचाई जाएगी जहाँ तक आज ही आप देखिए दस बजे मैंने जुनेद गुल साहब बाहर गए हुए उनकी जगह पे मैंने शो किया वो उसका टॉपिक यही था कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस म्यूचुअल फ़ंड और ओन ओन पोर्टफोलियो और उसमें मैंने बताने की कोशिश की कि ओन पोर्टफोलियो बनाने में काफ़ी मुश्किल होते हैं आपके लिए बेहतर है कि आप म्यूचुअल फ़ंड में लगा दें और आई एग्रीड विद दी जेंटलमैन जो एक्सपर्ट आए हुए थे तो हम ये बताने की कोशिश करते रहते हैं और हम यही कहते रहते हैं कि आम लोगों को म्यूचुअल फ़ंड में चला जाना चाहिए वहाँ आप बिल्कुल आसानी से सेफ़ हो जाते हैं हबीब बैंक यू बी एल के आए हुए थे आज जो साहब यू बी एल के किसी भी ब्रांच में ज़रूर मायावाली में भी होगा आप जाएंगे तो आपको बड़ी आसानी से वहाँ इनके प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे आप उसको देख लें उस पर लगा लें इन डीट रिटर्न बहुत अच्छे हैं तो आ, 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 और फिर भी मैं ये कहता हूँ मैं इस बात से कभी भी आप मुझे जा सोते जगा के भी पूछेंगे और ये कहेंगे तारिक साहब सौ परसेंट लगा दूं शेयर में मैं कहूंगा नहीं फ़ौर निकलेगा आवाज़ एक तिहाई लगाएंगे आप शेयर्स में एक तिहाई लगाएंगे आप फिक्स डिपॉज़िट्स वगैरह पे बहबूद पर लगा दें जहाँ पर लगा दें एन आई टी ये नेशनल सेविंग में एक तिहाई आप ज़रूर जायदाद खरीदेंगे प्रॉपर्टी पर लगाएँ तो इन ये तीनों पोर्टफोलियो मिलके आपके लिए बहुत बेहतर होगा एक तरफ सारा लगाना सही नहीं है शेयर्स में भी आपको तमाम फैला के लेना है कोई ये कह दे कि जी ये दुनिया की सब सबसे अच्छी कंपनी है सारा पैसा इसमें लगा दो नहीं आपको डिसिप्लिन रखना है और ये आप जो म्यूचुअल फंड में चले जाते हैं तो वो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाता है वहाँ पर प्रोफेशनल्स हैं वो जज्बाती होकर काम नहीं करते लेकिन अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाने लगें तो आपको बहुत ज़्यादा डिस सेल्फ डिसप्लिन का वो करना पड़ेगा दूसरे आपको प्रेशर बहुत आएगा ब्रोकर्स की तरफ से वो आपको बड़े सब बाग दिखाएंगे कि ये जी एन आई बी को ले लें ये इस्लामाबाद से फ़ोन आ गया है और ये अभी बीस रुपये का हो जाएगा एक रुपये का मिल रहा है आप कहीं मुझे नहीं चाहिए इतना प्रॉफिट भाई इतना मुझे हिस्स नहीं है मैं एक मुसलमान आदमी हूँ मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाए मैं उससे कनात करता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा अमीर बनने का कोई शौक नहीं है ज़्यादा अमीर बनने के चक्कर में ही लोग तबाह होते हैं कोई आपको बंदूक पे गोली पे तो नहीं कहता कि लगाओ तो आप लालच में ना पड़े और नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करें बहुत आपको फायदा होगा से बात करें। टी आर सिस्टम हो गया इसके बारे में आपको क्या देखिए इसके बारे में हमें बहुत कुछ पता है ये सिस्टम ग्यारह इंजीनियर्स की कंपनी है शिस्टम और वो जो जो प्रोडक्ट उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं उसका भी हमें कुछ अंदाज़ा है सी को बनाया नादरा के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किया नेटसॉल वाले के बारे में कोई इतनी इन्फॉर्मेशन आती नहीं है और ये मिस्टीरियस सी कंपनी होती है ये है टी है एक दिन ऐलान कर देते हैं टीआरजी वाले के जी हमें वोडाफोन ले रहा है और लोग इसको धड़ाधड़ खरीदना शुरू कर देते हैं दूसरे दिन कुछ महीनों बाद डिनाइल आ जाती है नेटसॉल इसी तरह बड़ा सिक्रेटिव सा कंपनी है बताता नहीं है ऐसी कंपनियों के फ्यूचर तो बहुत बड़ा है क्योंकि पाकिस्तान में इतना सस्ता लेबर है ख़ासतौर से हमारी इतनी बड़ी तादाद में ख़वान हैं जो कि अच्छा खासा कंप्यूटर का काम जानती है उनसे बहुत काम लिया जा सकता है लेकिन ये कंपनियाँ इतना अच्छा कर नहीं रही हैं इनकी रीच अभी तक इतनी नहीं है नेटसॉल के बारे में कोई ख़ास इन्फॉमेसन नहीं है टी का जैसे ताल्लुक ता, ता, है द रिसोर्स ग्रुप ये यहाँ पे ये कॉल सेंटर वगैरह का काम करते हैं और इनके पास और भी इंश्योरेंस ब्रोकरेज वगैरह का कारोबार है लंदन में तो उसके बारे में फिर भी नेटसॉल के बारे में ज्यादा नहीं है और जिसके बारे में इंफॉर्मेशन ना हो हमारा मशवरा होता है आप लाएक लाएक को उससे आप दूर रहे मुझे ये पूछना है आप फूड के बारे में इतनी अच्छी जो है वो ब्रीफ डिस्कशन करते हैं एक सौ साठ रुपए तो ये कहाँ सेमेशन आपको मिलेगी है एक सौ रुपए में हो गए या हजार रुपये का हो जाएगा किसको कह रहे हैं आप ई e फूड का ई फूड ई फूड का सर आपने शायद नहीं पढ़ा अखबार में आया था ये कि 500 हंड्रेड मिलियन uh, की इन्वेस्टमेंट फाइव हंड्रेड एंड वन या टू मिलियन डॉलर है और 51 परसेंट शेयर है यानी कम्प्लीटली वो मालिक हो जाएंगे इसके तो उसको आप वर्कआउट कर लें तो वो 162 ही निकलता अखबार में ही लिखा हुआ था मेरे तरफ से नहीं है ये और उसी बेसिस पर मैं कह रहा हूँ और ये जो लॉजिक कि भाई वो अभी तो इतना सस्ता है महंगा क्यों ले रहा है तो उसकी लॉजिक वही है जैसे विटॉल की थी विटॉल ने पंद्रह परसेंट शेयर लिया हैस्कॉल का तो मुँह मांगी कीमत देनी पड़ी उनको और उसकी जस्टिफिकेशन इन्होंने दे की कि जी ठीक है अभी हमने महंगा लिया है और इसलिए महंगा लिया है कि फ्यूचर हमें बहुत अच्छा नज़र आता है सेम इज़ टू फॉर ई फूड ई फूड जब चालीस रुपये का था मैंने इसका एक हज़ार की कीमत लगाई थी एवेंचुअली क्योंकि मैं फूड इंडस्ट्री में रहा हूँ नाइन्टी फोर से हम लोग डेनवर इंटरनेशनल चलाते रहे जो कि ज़बरदस्त बबलगम वगैरह की फैक्ट्री और हमने देखा है कि इस तरह के इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ हुई है इतनी ज़बरदस्त आबादी इतनी ज़्यादा आबादी इतने बच्चे तो खाना पीने की चीज़ हो या ये अमोर की आइसक्रीम हो या एअलपर का दूध है बिकेगा ही बिकेगा और जब फिजलैंड जैसी कंपनी आके उसके पार्टनर बन जाएगी तो इसी दूध से आप देखिएगा कि कैसी कैसी चीज़ बनाती है वो दूध जो हम फेंक देते हैं ज़ाया कर देते हैं उसको वो कैसा इस्तेमाल करते हैं आप देखते रहिएगा इस लिहाज से मैं कहता हूँ और मैं जब बात करता हूँ तो दो चार दिन की बात नहीं करता हूँ मैं लॉन्ग टर्म बात करता हूँ मुझे दूर की देखने की आदत है तो दूर में पाकिस्तान बहुत अच्छा है दूर में दूर के आगे मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान को एक सुपर पावर बनते हुए इकनॉमिक और मेजर इकनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड और यहाँ कंज्यूमर मार्केट जो है ये वन ऑफ द बेस्ट टॉप फाइव टेन कंज्यूमर मार्केट्स में ये बन जाएगी और तमाम दुनिया की कंपनी लाइक फिजलैंड यहाँ आना पसंद करेंगी और यहाँ आके खूब पैसे कमाएंगी নাজি ই প্ৰায়ামতম কৰোঁ খুদা হাফিছি